आपने नदी या समुद्र के बीच में पुल बने हुए देखे होंगे। आपने देखा होगा कि कई नदी पर तो पुल पिलर के सहारे टिके रहते हैं। इन पिलर को देखकर कभी आपके दिमाग में यह सवाल आया है कि आखिर इस नदी के बहाव के बीच इन पिलर को कैसे बनाया गया होगा और पुल बनाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया होगा। अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो आज हम आपको जवाब बताते हैं कि आखिर नदी के बीच में पिलर का निर्माण कैसे किया जाता है। पिलर वाले पुल बनाने के लिए पहले पानी की गहराई, पानी की बहने की स्पीड, पानी के नीचे की मिट्टी की क्वालिटी, ब्रिज बनाने पर पड़ने वाला भार और ब्रिज बनने के बाद गाड़ियों के भार आदि पर गहरा रिसर्च किया जाता है। इस रिसर्च के बाद ही पुल बनाने का काम शुरू होता है। पुल में भी नींव बनाई जाती है और पूरे प्रोजेक्ट के आधार पर नींव को लेकर भी पहले प्लान बना लिया जाता है। वैसे पानी के बीच में रखे जाने वाली नींव को कोफर डैम कहते हैं। ये कोफर डैम एक तरीके से ड्रम के जैसे होते हैं जिन्हें क्रेन आदि के माध्यम से पानी के एकदम बीच में स्थापित किया जाता है। यह कोफर डैम स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स के जरिए बनाया जाता है। कोफर डैम गोल या स्क्वायर हो सकता है। अपने मेले में जो मौत का कुआं देखा होगा ये उसी की तरह होता है। कोफर डैम को पानी के बीच में रख दिया जाता है जिससे पानी आसपास से बह जाता है और जो पानी उसके अंदर बच जाता है उसे पाइप की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद कोफर डैम के अंदर बिल्कुल पानी नहीं रहता है। वह सूखे जमीन के जैसे दिखने लगता है और वहाँ पिलर बनाने का काम शुरू होता है। इसके अंदर जाकर इंजीनियर काम करते हैं और मजबूत पिलर बनाया जाता है। फिर पिलर बनने के बाद ब्रिज का काम शुरू होता है। तो पुल के पिलर बनाने के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे एक लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।